साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे कि इंडिया में मान लो कहीं पर भी मान लो साथियों वर्करों का तो शोषण होना है, तय बात है। जो लेबर आदमी होता है, जो मजदूर कामगार होते हैं, उनका शोषण तो सब जगह ही होता है, कहीं पर भी आप चले जाओ, ठीक है। तो इस पे शुरुआत अपन कर रहे हैं। अगर आप विदेश जाते हैं कमाने के लिए और कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फिर भी कंपनी आपके साथ क्या करती है, वहां के सीनियर क्या करते हैं, जो आदमी वहां जॉब करते हैं उनको पता है। कहीं पर भी चले जाओ, इंडिया में भी यही हालात हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आप जब भी जाएं तो थोड़ा बहुत यार दिमाग में अगर कुछ बातें अगर आपको लग जाती हैं तो थोड़ा बहुत तो आप अपना समाधान कर सकते हैं। कंपनी में वर्कर कामगारों का शोषण कैसे होता है, शोषण कौन कौन कर सकता है, किस प्रकार से कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो साथियों मैं बता दूं कि आपको कहीं कोई भी कंट्री चले जाओ, चाहे इंडिया में भी आप जॉब कर रहे हो या दूसरे जॉब कर रहे हो, हर सरकार के लेबर लॉ कानून बने होते हैं कि भाई गरीबों के जो कामगार आदमी होते हैं उनके सबके अधिकार होते हैं एक्ट के तहत, ठीक है। उनमें कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, हालांकि हक ये होता है, कंपनी का फर्ज ये बनता है कि नोटिस लगाया जाता है ऑफिस में कि आपको ये सुविधाएं या आपको ये अधिकार हैं, आप ये एक्शन ले सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन पहली बात तो वो लगाते नहीं है, जिनको पता होता है उनको भैया फिर दबा दिया जाता है, ठीक है। आपको अच्छी सुविधाएं कंपनी की तरफ से देने का हक होता है, जिसमें पूरी फैसिलिटी होती है, खाना रहना आना ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा, हेलमेट जूते कपड़े लॉन्ड्री वगैरह, खाने अच्छा क्वालिटी का खाना, ये बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन कोई नहीं देता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, अगर पूरा ही सिस्टम बंद हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसमें शोषण होता है, आपकी कटौती हो जाती है, कंपनी द्वारा भी होती है। कंपनी आपको खाना, मान लीजिए 100% आपको खाना मिलता है तो आपको 80% का चूज क्वालिटी का मिलेगा, 20% उसमें कटौती हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी मान लो आप जैसे कपड़े हो गए, लॉन्ड्री वगैरह हो गई तो लॉन्ड्री काट दी जाती है, या फिर टोपी जूते वगैरह बोलती है कई कंपनी अपने खुद के लाओ, तो ऐसी कुछ हो जाती है, उसमें आपका शोषण हो जाता है। सैलरी कंपनी के मान लो गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है 1200 दराम या 1500 दराम है, तो उसमें 150 रुपये आपको महीने के कम देना, ये एक तरह से आप लोगों का शोषण कंपनी तो करती ही करती है। लेकिन इसके बाद में जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना कंपनियों में, जैसे फोरमैन बोल सकते हो, इंजीनियर बोल सकते हो, साइडर जो आपके ऊपर होते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि कंपनी के मालिक हम हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जी हाँ, उनको भी ये लगता है, उनको भी ये लगता है कि इनसे जितना लिया जाए उतना ठीक है। उनसे पैसा मांगना, उनको मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनके साथ ईर्ष्या रखना, उनसे ज्यादा काम करवाना, ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी अग्रीमेंट आपको यहाँ से जो दे के भेजा जाता है वो वहां नहीं मिलता, समझ रहे हो बात को। वहां यहाँ 1500 का है तो वहां 1400 मिलेगा, 1300 मिलेगा, करना है तो करो वरना इंडिया वापस जाओ, गरीब बंदे बेचारे क्या कर सकते हैं। सैलरी अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं देके कम सैलरी पे रखा जाना, ये एक तरह से आप लोगों का शोषण होता है, ठीक है। ओवर टाइम सपोज करिए 8 घंटे ड्यूटी है, आपको 11 घंटे काम रोज करवाया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि ये 3 घंटे आपका ओवर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब महीने वाले दिन तनख्वाह मिलती है तो 1.5 घंटे 2 घंटे का ओवर टाइम मिलता है, 1-2 दिन का बीच में काट लिया जाता है, ऐसा करके मतलब अगर 700 रियाल एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 700 दराम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो 500 रुपये ऊपर आपको मिलते हैं, 100-200 दराम ऊपर लोग ऊपर के ऊपर ही खा जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है साथियों। आजादी नहीं प्रतिबंध लगा देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीनियर अधिकारी होते हैं आपके जो ऊपर वाले होते हैं, वो आपको इधर इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ठीक है, प्रतिबंध लगा देते हैं, ये मत करो वो मत करो। इस मेरे से ज्यादा जो वहां पे वर्कर है उनको ज्यादा पता होता है इन बारे में, तो एक तरह से एक बंधन में बंध के काम करना पड़ता है, ठीक है। जॉब से निकालने की धमकी, अगर कोई मान लीजिए मेरे जैसा बंदा जानकार है, पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो आवाज ऊपर करता है तो उसको धमकी दे के भैया 3 दिन में बिंटा गोल, अपने मारवाड़ी में कहा था ना भाई, बिंटा गोल हो जाएगा तेरा, घर की रवानगी ले ले। तो अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उनको फिर निकालने की कोशिश, उनको घर भिजवा देना, ये सही नहीं है, उसकी मतलब शिकायत हेड ऑफिस में डाल देना। हेड ऑफिस वाले भैया चेक करने नहीं आते, उनको तो लगता है ना पासपोर्ट टिकट पकड़, हिसाब पकड़ और जाते रहे घर पे, तो ऐसा भी होता है, ये एक तरह का शोषण है कामगारों के, मजदूरों के प्रति विदेशों में ऐसा होता है। इल्जाम फिर अगर आपका मान लीजिए किसी सीनियर के साथ नहीं बन रही है, फोरमैन इंजीनियर या चार्ज एंड स्टोर जो भी आपके ऊपर होते हैं, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं कि ईर्ष्या निकालते हैं, आप पे इल्जाम लगा देना किसी भी चीज का, जो आपने नहीं किया वो बोल देते हैं इसने किया, गलत काम हो जाता है तो इसने किया, कुछ टूट चीज टूट फूट जाती है तो इसने किया, ठीक है। चोरी का इल्जाम भी कई बार ऐसा सुनने में आता है कि चोरी का इल्जाम उस पर लगा दिया,
उसने मेरी 500 रियाल निकाल ली या फिर ऑफिस से चोरी कर ली, तो फिर आपको पता है भैया मुकदमा करके कंपनी घर भेज देती है। तो ये विदेशों में कंपनी कामगारों के साथ शोषण होता है। कंपनियां तो कम करती हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं वो ज्यादा करते हैं। जब भी मेरे भाइयों विदेश जाओ तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, गौर रखो। अगर आपके पास साथ ऐसा कुछ होने को, अगर आपको लगता है ऐसा होने वाला है तो थोड़ा सतर्क रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी हर रोज आपको नई अपडेट नए नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।